पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर थाना क्षेत्र के डाल्टनगंज पाकी मुख्य मार्ग पर महावीर मोड़ के पास पिछले 3 नवंबर को संतोष राम पर हुई गोली चालन की घटना का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। इस खुलासे के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। इस मामले में लेस्लीगंज एसटीपीओ के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपने गुनाह कबूल करने वाले 2 आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। वहीं उनके पास से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। संतोष राम पर गोली चलाने वाला युवक उसके दोस्त चैनपुर के सेमरटाण निवासी संतोष राम के पुत्र शशि कुमार चंद्रवंशी और लेस्लीगंज पहाड़ी के भकासी निवासी जो कि फिलहाल कांदू मोहल्ला में रहता है उदय राम का पुत्र साहिल कुमार निकला। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों यह गोली चालन की घटना को अंजाम दिया गया? जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आए थे यह एक पहली ही थी, लेकिन पुलिस के समक्ष सरेंडर करने वाले आरोपियों ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल जख्मी संतोष राम और सेमरटाण निवासी संतोष राम दोनों दोस्त थे और मेदिनीनगर के अमित मेडिकल में एक साथ काम करते थे। इस बीच संतोष राम ने दोस्त की पत्नी को प्रेम जाल में फंसा लिया। दोनों का प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि महिला अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहने लगी। महिला अपने पति को मानसिक रूप के साथ साथ आर्थिक टॉर्चर भी किया करती थी। इस बीच संतोष का पुत्र शशि पूरे मामले को झेलते हुए युवावस्था को पार कर अब वयस्क हो चुका था। माँ के प्रेम प्रसंग और समाज के ताने उसे अंदर ही अंदर परेशान किया करते थे। इससे परेशान होकर शशि ने संतोष की हत्या की योजना बनाई। पूछताछ के दौरान आरोपी शशि ने पुलिस को बताया कि संतोष राम की हत्या करने के लिए दिल्ली के चोर बाजार से हथियार खरीदा था और वहां की पुलिस को चकमा देकर हथियार मेदिनीनगर लाया गया था। यह घटना दिनांक 3/11/2021 को दिन में अपराह्न में ही घटी थी। ये महावीर मोड़ से 100 मीटर आगे पाकी रोड में मुख्य सड़क पर ही संतोष कुमार नाम के व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया था और अपराधी मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे, जिसमें आज इसके दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर भेजे जा रहे हैं न्यायिक हिरासत में। एक का नाम है शशि कुमार चंद्रवंशी, ये सिमरटाण चैनपुर पलामू का रहने वाला है, और इसका साथी है साहिल कुमार। ये दोनों मिलकर के उस दिन मोटरसाइकिल से यहाँ तक पीछा किए और गोली मार करके फरार हो गए थे। ये दोनों को आज इस कांड में न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया है। ये लोग लेस्लीगंज थाना में आकर के आत्महत्या